अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत मशहूर देसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये रेसिपी है हलवा पूरी का। जो स्पेशल हलवा मिलता है उसकी आने वाली रेसिपीज़ होंगी हलवा पूरी के चने की, तरकारी की और परफेक्ट पूरी की। तो इस सीरीज़ में सबसे पहली रेसिपी मैं हलवे की आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि बाज़ार में जैसे मिलता है बिल्कुल वैसा टेस्ट आप कैसे ला सकते हैं घर में बनाकर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 750 मिलीलीटर पानी, या तकरीबन आप 1.5 कप कह सकते हैं पानी है। और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, ये मैंने आधा चाय का चम्मच लिया था, और इसको मैं डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स करने के बाद ये तैयार हो चुका है, अब इसको आप साइड पर रख दीजिए। और यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ देसी घी, बाज़ार में इसको देसी घी में ही बनाया जाता है, और ये मैंने लिया है 1/4 कप। घी जब पिघल कर गर्म हो जाए धीमी आंच पर तो इसके अंदर मैंने शामिल की है सूजी बारीक वाली, और ये भी मैंने ली है 1/4 कप। हलवा पूरी में हमेशा रेशियो यही होती है, अगर आप आधा कप ले रहे हैं घी तो आधा कप सूजी जाएगी और आधा कप ही चीनी। चीनी की मकदार को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। सूजी को डालकर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, इस तरीके से घी इसमें काफ़ी ज़्यादा ही जाता है। मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ और ये प्रोसेस आपने करते जाना है, चम्मच को आपने चलाते जाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी और डार्क हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, जब ऐसा गोल्डन कलर आ जाए तो जो पानी कलर हमने मिक्स करके रखा था वो आपने इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देना है। चूल्हा आपने स्टेज पे बंद कर देना है क्योंकि जैसे ही पानी डालते हैं ये एकदम से उड़ती है ऊपर की तरफ, तो आप बंद कर दें चूल्हा तो बेहतर होगा। पानी डाल देने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी, मैंने 1/4 कप से कम ली है। अगेन ये आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं आप कम भी, लेकिन एक परफेक्ट रेसिपी जो है वो यही है, अगर 1/4 कप दोनों चीज़ें हैं सूजी और घी तो चीनी भी इसमें 1/4 कप जाएगी। और इसको अब आपने पकाना है मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए चम्मच को चलाते हुए। 8 से 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर पिसी हुई हरी इलायची इसमें शामिल की है, और ये मैंने ली थी 1/4 चाय का चम्मच, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से आपने इसको पका लेना है, और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, गाढ़ा आपने नहीं करना, ये पतला ही सर्व किया जाता है। 12 मिनट हो चुके हैं मुझे पकाते हुए इसको, और अब मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल किए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल लीजिए। और आखिर पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए सर्व करने से पहले। और साइड्स पे आप देख सकते हैं कि ऑयल भी है, ऑयल या घी जो मैंने डाला था वो ऊपर है इसके। अब आपने इसको सर्व कर देना है, और कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं। ऊपर मैंने थोड़े से काजू के साथ इसको गार्निश कर दिया था, साइड्स पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह इसके ऊपर आई हुई है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। अगर आपको ये ज़बरदस्ती हलवा पूरी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें वीडियो अपडेट्स के लिए। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।